धन्यवाद। आज के इस चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर हमारे सीपीपी के अध्यक्ष और कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और इस मौके पर जो हमारे को सभी को संबोधित किए श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारस जी, महासचिव पवार जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी यहाँ पधारे, सभी पदाधिकारी गण और विशेष करके और हमारे बहुत से नेता इस मंच पे बैठे हैं, मैं वो सभी का नाम लेने में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि समय का अभाव है और आप लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं हम सब लोगों की बात सुनने के लिए। अब सारी चीजें प्रियंका गांधी जी ने हमारे घोषणा पत्र का एक एक करके आपको बताया और जो हमारी 5 न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं हैं, जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं। उन्होंने कितने गारंटी हमसे पहले दिए हैं, कौन सा गारंटी उन्होंने लोगों को दिया है, लोगों तक पहुंचा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। पहला तो बहुत बड़ा गारंटी युवाओं को दिया, कौन सी गारंटी? युवाओं को कहा मैं हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो 5 साल में 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देना था। मैं पूछता हूं क्या वो 20 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को मिला है? अरे मोदी प्रधानमंत्री है, वो कैसा झूठ बोल सकता है? आपको नौकरी मिली है इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिला तो मोदी झूठ है, क्या कांग्रेस पार्टी झूठ है? मोदी झूठ है। और दूसरी चीज, मोदी ने ये कहा
बाहर के देशों में कांग्रेस पार्टी के लोग काला धन रखा है, वो काला धन लाकर मैं हर एक को 15-15 लाख दूंगा। दिया 15 लाख? अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई, वो हमेशा यही कहते हैं, हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं। तो ये 15 लाख भी आपको नहीं मिले, ठीक है छोड़ दीजिए। और उन्होंने ये कहा किसानों के लिए उनकी आमदनी दुप्पट कर दूंगा, उस किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई है। तीसरा चौथा उन्होंने कहा कि MSP रेट हम बढ़ाएंगे किसानों के लिए, क्या उन्होंने किया? अब सब नहीं 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 बोल रहे, बोले तो अब मुझे, इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार है, झूठ बोलते हैं। और मुझे मालूम नहीं क्यों, किस वजह से वो झूठ बोलते गए। परसों मैं सुना, कल शायद, उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया, अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, किसानों परेशान है, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। क्या फर्टिलाइजर के दाम कम कर दिए? क्या डीजल का दाम कम कर दिए? क्या पेट्रोल का दाम कम कर दिए? तो ये सब नहीं करने वाले, उनको आप वोट देंगे? हाथ उठाइए, नहीं देंगे। ठीक है, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और राजस्थान के लिए कांग्रेस ने क्या किया देखिए, इंदिरा गांधी नहर ये बहुत बड़ा, इससे पूरा राजस्थान का पिक्चर बदल गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जो लोग बाहर जाते थे आज इंदिरा गांधी नहर से लोग किसान खुश है। क्या ये मोदी ने किया? चंबल घाटी परियोजना कांग्रेस ने किया, क्या मोदी ने किया? मेवाड़ यूनिवर्सिटी किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मेजाबाद भिलवाड़ में हमने बनाया, मोदी का एक जगह तो कोई बांध या कोई डेवलपमेंटल वर्क या कोई दिखे जैसा जनता के फायदे के लिए उन्होंने दिया है। तो ये व्यक्ति सब जगह कहता है मैंने ये किया, मैंने, आजकल सबसे चर्चे में है वो मोदी जी। अब रेलवे लाइन तो पहले ही डाले हुए थे, ब्रिटिश के जमाने से लेकर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और रेल मंत्री जितने भी कहीं भी रेल डालना था वो तो रेलवे हमने कर दिया था।
अब मोदी क्या कर रहे हैं उस पे एक एक ट्रेन छोड़ना, हरी झंडी बताना। अरे ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया, उसका क्रेडिट भी आप लेते हो, और रेलवे स्टेशन पे जाके ऐसा हिलाते बैठते हैं। तो ये मोदी की देन है, बगैर काम करते हुए, बगैर काम किए क्रेडिट लेने का उनका हमेशा से ये बात है। अब एम्स जोधपुर में आया, किनके काल में आया एम्स, किसके काल में आया? आईआईटी जोधपुर, आईआईएम उदयपुर, बिसलपुर बांध, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, एचएएल, बीएल, बीएचईएल, ये सारे चीजें कांग्रेस के जमाने। और मोदी जी कहते हैं देश का विकास हो रहा है, और मैं देश के विकास के लिए काम कर रहा हूं, और इस बार नया सॉन्ग लाए हैं, नया ड्रामा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, वो पार्टी का नाम भी नहीं बोलते या वो बीजेपी का नाम नहीं बोलते, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो एक गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है भाई? मैंने जो गिना था वही गारंटी, नहीं देने का गारंटी, यह मोदी की गारंटी। और ये हर जगह कह रहे हैं मेरी गारंटी। अरे ये गारंटी तो हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया, चुरा लेके आज मेरी गारंटी मोदी गारंटी बोल रहे। अरे हमने तो हिमाचल में गारंटी दी, और प्रियंका जी यहां है, उन्होंने खूब मेहनत किया और वहां की सरकार हमारी आई। वो जो गारंटी हमने वहां दिया था उसको हमने लागू किया। कर्नाटक में हमने 6 गारंटी दी थी, हम उसको लागू किया। तेलंगाना में हम गारंटी दी थी, वो 6 गारंटी हमने लागू किया। तुम्हारी कौन सी गारंटी है भाई? झूठ बोलने के अलावा कोई गारंटी ही नहीं है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं, दिशा भूल करते हैं। आपने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी हर जगह बोलते फिरते हैं कांग्रेस वाले कुछ नहीं किए, 70 साल में कुछ नहीं। अरे भाई हम तो 55 साल थे, 55 साल में क्या किए उसका हिसाब दे रहे हैं। और जयपुर में क्या किए, राजस्थान में क्या किए, इसका हिसाब हम दे रहे हैं। तुम दो ना तुम्हारा हिसाब, तुम क्या किए वो बोलो। बोलने की ताकत उनमें नहीं है, सिर्फ गालियां देने की है। बात उठी तो कांग्रेस को गालियां देना, बात करे तो गांधी फैमिली को गालियां देना। अरे ऐसी गालियां दे के तुम कितने दिन बच जाओगे? एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम जो बातें कर रहे हैं, गद्दी से उतरने के बाद लोग यही सवाल पूछेंगे तुमने देश के लिए क्या किया, ये गालियां आपने दी, ये ले लो तुम्हारे गालियां वापिस। तो ये जो हमेशा अब फॉरेन पॉलिसी उनकी, विदेश नीति, विदेश नीति में भी उन्होंने हर बार का देश मजबूत हुआ, ठीक है मजबूत भी हुआ। हमारे जमाने में तो इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद कराया, ऐसा कोई उदाहरण है? अरे यहां चाइना वाले आके आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहे हैं,
घर बन रहे हैं, विलेज के नाम बदल रहे हैं, टाउन के नाम बदल रहे हैं और उसके बारे में आप जिक्र नहीं करते, लेकिन आप सिर्फ कि मैं मजबूत हो गया, मेरी 56 इंच की छाती है। भाई तुम्हारी 56 इंच की छाती तुम्हारे पास रख लो और तुम्हारी 56 इंच है, 55 इंच है, 54 इंच है, क्या है एक आधा टेलर को बुलाएंगे और टेप लगा के देखेंगे और क्या है। तो ये जो मोदी जी ये लोगों को कुछ नहीं किए, इसीलिए आज हमने 5 गारंटी और 20 उसके तहत 25 गारंटी हम दे रहे हैं सबके लिए, युवाओं के लिए दे रहे हैं, महिलाओं के लिए दे रहे हैं, किसानों के लिए दे रहे हैं और हमारे दूसरे कारागार के लिए दे रहे हैं, श्रमिक को दे रहे हैं। ये सब 5 गारंटी हम इसलिए दे रहे हैं कि उनका जीवन सुगम हो, लेकिन इसके बारे में मोदी कभी बात नहीं करते। जो बात आपके तरफ से पार्लियामेंट में करता है, राज्यसभा में करता है, उनको सब बाहर डालते हैं। हम जब यहाँ पर सेशन चल रहा था दिल्ली की लास्ट सेशन में, इन्होंने सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला और बाहर निकालकर सदन चलाया। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? हमको बाहर डाल के अगर आप सदन चलाते हो तो आप कौन से डेमोक्रेसी में हैं? इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ हम न्याय की नहीं है, या ये लड़ाई सिर्फ आपको कुछ देने की बात नहीं है। सबसे बड़ा ये जो लड़ाई है डेमोक्रेसी को बचाना और लोकतंत्र को बचाना और उसी तरह देश के संविधान को बचाना। जब तक देश का संविधान सुरक्षित नहीं होगा किसी को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। और मोदी, उनके लोग, आरएसएस के लोग, वो चाहते हैं कि ये जो संविधान है इसको निकाले। उनके बहुत से एमपी, उनके बहुत से लीडर्स हर जगह भाषण देते हैं कि बीजेपी को आप, मोदी जी को आप 2/3 मेजॉरिटी दो, इस देश का संविधान हम बदल के देंगे। क्या आप बदलना चाहते हैं? तो इसलिए लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा अपने हकूक के हिफाजत के लिए, दूसरों के लिए नहीं, डेमोक्रेसी बचाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जो गरीब है, पिछड़े हैं, दलित है, आपके लिए जो कुछ मिला है आजादी के बाद मिला है, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो डॉप्टिंग कमेटी के चेयरमैन होकर जो कुछ इस मुल्क के गरीबों के लिए दिया है, किसानों के लिए दिया है, युवाओं के लिए दिया है, महिलाओं के लिए जो दिया है, उसको बचाना है। ये लड़ाई है, ये मेन मुद्दा है। इस लड़ाई को आप कामयाब कीजिए, आपके साथ हम हैं। और कोई कितने मोदी आने दो जाने दो, अगर तुम मजबूत हो तो कोई इस देश में डेमोक्रेसी को मिटा नहीं सकता, संविधान को निकाल नहीं सकता। इस आपकी ताकत की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका सपोर्ट आने वाले 2024 में दो, और एक तरफ हमारी गारंटी आपके पास है, दूसरी तरफ सबसे बड़ा मुद्दा डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का है। इतना कहते हुए मैं अपने 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस।